हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंटिन्यू कर रहे हैं सॉल्व्ड एग्जांपल्स फॉर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। सो लेट्स सी एग्जांपल 44। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फॉलोइंग फंक्शंस। सो आपके पास यहाँ पे फंक्शंस हैं, आपको उनको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो मैंने इसको वाई नेम दे दिया है। सो अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, सिंप्लीफाई फॉर्म में। अगर मेरे पास यहाँ पे रूट है तो उसको मैं पावर के फॉर्म में कैसे लिख सकती हूँ, 3x + 2 को इसकी पावर क्या होगी, 1/2, राइट। सो यहाँ पे बेस में क्या है, यहाँ पर 2x² + 4 का रूट। तो यहाँ पे रूट को भी अगर मुझे पावर में लिखना है तो मुझे कैसे लिखना है, 1/2। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इस चीज़ को न्यूमरेटर में लेकर आना चाहती हूँ तो मेरी पावर क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेस में अभी पॉजिटिव है तो यही पावर अगर मैं न्यूमरेटर में लेके आना चाहूँगी इस पूरी वैल्यू के साथ, तो ये चीज़ हो जाएगी -1/2, नेगेटिव में हो जाएगा। सो यहाँ पे मैं इसको 3x + 2 की पावर 1/2 एज इट इज़, 2x² + 4 इसकी पावर क्या होगी, -1/2। क्यों? क्योंकि ये न्यूमरेटर में आ चुका है। अगर इसको वापस से डिनोमिनेटर में लिखना है तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, +1/2। सो अब जो आपका फंक्शन था एग्जैक्टली इस तरह से दिख रहा है। सो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। सपोज आपके पास एक एक्स वैल्यू है और उसकी पावर होती सपोज 2, न्यूमेरिक वैल्यू, राइट। तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो, सिंपली आप क्या लिखते हो, इसको जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, एक्स की पावर 1 कम हो जाती है, लाइक दिस। सो ये है डिफरेंशिएशन। लेकिन यहाँ पर आपके पास एक्स की जगह वैल्यू क्या है, 3x + 2। सो जब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे भी तो आपके पास इसको चेन रूल की हेल्प के साथ इसको वैल्यू जो है आपकी एक्स की जगह, तो उसको भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, राइट। सो वहाँ पे सिंपल एक्स था, अगर हम बाद में उसका एक्स का भी डिफरेंशिएशन करते हैं तो चेन रूल की हेल्प के साथ dx/dx वैल्यू आ जाती है, क्योंकि d/dx किसका करते, इस x का। चेन रूल तो वहाँ पर भी लग रहा है, लेकिन वहाँ पर लगने के अलावा वहाँ पर ये डिडक्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली, बिकॉज dx/dx आपको वैल्यू देता है 1। यही लेकिन अगर आपकी x की वैल्यू डिफरेंट है, जैसे कि यहाँ पर वैल्यू x की जगह एकदम डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। सो लेट्स सिंपली सॉल्व दिस, बहुत ही बेसिक्स वाला क्वेश्चन है ये, राइट। सो पावर जो है आपकी आगे आ जाएगी, यहाँ पे मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू, सो 1/2 जो पावर थी वो आगे आ चुकी है। यहाँ पे 3x + 2 में एक पावर क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। सो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करूँगी साथ में चेन रूल की हेल्प के साथ, दैट इज़ d/dx ऑफ 3x + 2, तो 2 का तो 0 हो जाएगा और 3x का डिफरेंशिएशन आएगा ओनली 3। तो यहाँ पे इसके साथ वैल्यू क्या आ चुकी है, साथ में 3, तो इसका भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसे ही अब आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है, पावर जो है आपकी आगे आ जाएगी, सो यहाँ पे इसकी पावर एक कम हो जाएगी, दैट इज़ -1/2 ऑलरेडी थी, इसमें से -1, पावर में से -1, ठीक है। नाउ d/dx किसका कर रहे हैं, इस वैल्यू का। सो जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 2x ऑलरेडी था बाहर और यहाँ पर x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x + 4 का डिफरेंशिएशन होगा 0, तो यहाँ से वैल्यू आपके पास आएगी 4x। तो ये देखो, इतना पोर्शन जो है आपका ये सारे प्रोडक्ट में है, राइट, प्लस किस साइड वैल्यू, तो ये जो है आपका डिनोमिनेटर में है, एक 2 और एक यहाँ पर है, तो ये है तो सब प्रोडक्ट में ही, राइट। सो अल्टीमेटली वैल्यू क्या है, सिर्फ ये 4x, तो 2 से 2 वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, राइट। एंड यहाँ पर इसकी पावर क्या हो जाएगी, 3x + 2, इसको कैलकुलेट करोगे आपकी वैल्यू आएगी पावर में 1/2 साथ में माइनस, एंड यहाँ पे जो 3 है वो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो चुके हैं इसके साथ, तो आपको 3/2 वैल्यू आपको दिखेगी, ठीक है। बस इस 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है, नथिंग एल्स। यहाँ पे ये टर्म जो है माइनस हो चुकी है, प्लस का उसने माइनस कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे साइन क्या है, माइनस का, ठीक है। तो यहाँ पर 2x² + 4 की जो पावर है वो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू मिलेगी -3/2, और साथ में क्या चल रहा है आपका, 2x, ठीक है। सो अब यहाँ पर इतना चीज़ देख लो कि अगर आपका ये माइनस में है
तो पावर को पॉजिटिव करने के लिए आपको उसको डिनोमिनेटर में भेजना है, तो 3/2 आपका ऑलरेडी है, और नीचे जब ये वैल्यू जाएगी तो डिनोमिनेटर में आएगी, और डिनोमिनेटर में वैल्यू किस तरह से होगी, इसकी पावर बस सिंपली 1/2 होगी। ठीक है, तो अब ये पावर में आपको इस तरह से दिख रही है वैल्यू, ऐसे ही ये भी माइनस में है, तो क्यों ना मैं इसको भी नीचे भेज दूँ और इसकी पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव में। सो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 3/2। अब देखो मैंने इसको क्या लिखना है, 1/2 को पावर को वापस से रूट की फॉर्म में इसको मैं लिख देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है 1/2 जो पावर होती है उसको मैं रूट में लिख सकती हूँ, किस तरह से, एग्जैक्टली इस तरह से। सो यहाँ से जो आपका फाइनल आंसर है, जो कि आपके NCERT बुक में भी दिया हुआ है, एग्जैक्टली इस तरह से दिया हुआ है, दैट मीन्स 2x, और नीचे 2x² + 4 की जो पावर है वो 3/2 ही है। ठीक है, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर योर एग्जाम्पल 44 फर्स्ट पार्ट। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। y की वैल्यू अब आपकी कुछ इस तरह से है, एक फंक्शन ये है प्लस में, साथ में ये दूसरा फंक्शन है, सो सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर क्या है, e की पावर में एक फंक्शन है, दैट मीन्स e की पावर में x है सपोज कर लो, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, नॉर्मल e x। लेकिन अगर x में कोई डिफरेंट वैल्यू होती है, सपोज करो यहाँ पे x की जगह साइन x होता है, या जैसे यहाँ पे सीकेंट स्क्वेयर x है, तो बाद में चेन रूल के हेल्प के साथ उस x का भी आपको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ता है। सो जब भी आप नॉर्मली भी अगर आप डिफ्रेंसिएशन करते हो, तो तब भी चेन रूल तो अप्लाई हो ही रहा होता है, लेकिन आपको दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास x को अगर डिफ्रेंशिएट करते भी हो, d/dx अगर x का करते भी हो, तो dx और dx क्या हो जाता है, कैंसर, दैट मीन्स आपके पास यहाँ पे 1 वैल्यू ही आती है। सो इसलिए आपका जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपको एक्सपोनेंशियल सेम वैल्यू देता है, साथ में अगर आपके यहाँ पे वैल्यू है कुछ, उसका भी आपको डिफ्रेंशिएशन करना है। एंड cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन इज़ वेरी इजी, एंड इसका फॉर्मूला होता है डिफ्रेंसिएशन का, cos इनवर्स x की बात कर रही हूँ, -1/√1 - x². तो जो यहाँ पे होता है उसका नीचे यहाँ पे रूट में क्या हो जाता है, स्क्वायर। सो यहाँ पर अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे को वैल्यू मिलेगी dy/dx, एंड यहाँ पे इस वैल्यू को dy/dx मैंने नहीं लिखा है, सॉरी, अल्टीमेटली हम कर वो ही रहे हैं, बस यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ कि जो आपका dy/dx का आंसर आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। ठीक है, सो यहाँ पे dy/dx हो चुका है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, सबसे पहले मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रही हूँ, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई है, एग्जैक्टली सेम, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का डिफ्रेंशिएशन करोगे तो आपके पास वही वैल्यू आएगी। फिर बाद में आपको चेन रूल की हेल्प के साथ किसका डिफ्रेंशिएशन करना है, इसके ऊपर जो फंक्शन है, दैट मीन्स सीकेंट स्क्वेयर एक्स का, तो हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, इसको भी यहाँ तक ही छोड़ दो, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन हम नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे। 3 as it is, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज दिस, सो -1/√1 - x². ठीक है, सो यहाँ पे ई सीकेंट स्क्वेयर एक्स, अब यहाँ पे एक बात बताओ, सीकेंट एक्स की पावर में क्या है, स्क्वेयर, सो क्योंकि सीकेंट स्क्वेयर एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से लिख सकती हूँ, अल्टीमेटली क्या है, सीकेंट एक्स के ऊपर स्क्वेयर है। सो जैसे एक्स के ऊपर स्क्वेयर होता है, तो उसको कैसे ट्रीट करते हो आप, टू जो पावर होती है आगे आ जाती है, और पावर में एक वैल्यू कम हो जाती है, राइट। सो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, इसको हम सिंपल एक्स मानेंगे, क्योंकि फंक्शन यहाँ पर सिंपल नहीं है, लेकिन हम इसको ट्रीट करेंगे कि सिंपल एक्स है, तो इस तरह से वैल्यू आएगी आपकी, इसकी पावर एक कम हो जाएगी, बट यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं था, तो यहाँ पे अब इसका भी फिर से डिफ्रेंसिएशन होगा सीकेंड एक्स का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम एक्स था, तो इसका डिफ्रेंसिएशन करते तो वैल्यू आपको मिलती 1, अब यहाँ पे सीकेंड एक्स है, तो यहाँ पे इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा, तो उसका डिफ्रेंसिएशन होता है सीकेंड एक्स का, सीकेंड एक्स इंटू टैन एक्स। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा वो मैंने आपको बता दिया है, तो मैं वैल्यू लिख रही हूँ, सबसे पहले इसका डिफ्रेंसिएशन हुआ 2 sec x^2 - 1, देन सीकेंड एक्स का डिफ्रेंसिएशन हुआ, तो वैल्यू क्या आई, सीकेंड एक्स टैन एक्स, तो यहाँ से वैल्यू आपकी वही चल रही है। सो इस टर्म को सिंप्लीफाई करो, नथिंग एल्स, तो आपके पास वैल्यू आएगी सीकेंड स्क्वेयर एक्स, क्योंकि यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी सीकेंड एक्स, ये एक ऑलरेडी सीकेंड एक्स है, तो वैल्यू क्या होगी, सीकेंड स्क्वेयर एक्स, साथ में टैन एक्स, और ये वैल्यू e टू द पावर सीकेंड स्क्वेयर एक्स माइनस
लाइक दिस। सो दिस इज द फाइनल आंसर जो कि आपको बोला गया है निकालने के लिए। बहुत ही इजी था ये भी। नाउ लेट्स सी थर्ड। सो थर्ड पार्ट को देखने से पहले आपको एक लॉग रिजल्ट पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है। फॉर एक्सरसाइज 5.4 या फिर 5.5 में मैंने आपको ये लॉग रिजल्ट्स बताए थे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी में से जो लॉग रिजल्ट 9th है, तो वो अब आपका यूज होगा। एंड दिस इज द लॉग रिजल्ट। तो ये अभी मैं थर्ड पार्ट के साथ आपको समझाऊंगी। अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, इसको मैंने क्या लिखा हुआ है, लॉग बी, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और बेस में क्या है, ए। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग रिजल्ट सिंपली आपको एक तरह की प्रॉपर्टी कह लो, रिजल्ट कह लो, कि हम इसको किस तरह से और अनदर वे से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी, ये पूरी वैल्यू एज इट इज, मतलब लॉग, और लॉग के अंदर जो भी आपके पास वैल्यू होगी वो आपकी एज इट इज आ जाएगी, और बेस तो आएगा ही, साथ में उसके साथ लॉग आएगा। सो कहने का मतलब है कि लॉग बी ए, लॉग बी जिसका बेस ए है, तो उसको आपने किस तरह से अनदर वे से लिख सकते हो, दैट दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू लॉग, और यहाँ पे जो वैल्यू थी, वैल्यू एज इट इज आ जाएगी लॉग के साथ, बेस के साथ भी क्या आ जाएगा अब, लॉग। तो यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है थर्ड पार्ट, इसको अगर आपको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सबसे पहले हम इसको उसी तरह से लिखेंगे, लॉग बी अपॉन लॉग ए, बिकॉज लॉग बी बेस ए की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं। सो अब ट्रीट करो इसको, अगर आप और अनदर वे से देखना चाहते हैं, अगर बी की जगह सपोज एक्स होती वैल्यू आपकी, ठीक है, और बेस में उसके ए होता, तो अल्टीमेटली कहना चाहती हूँ कि लॉग के साथ जो वैल्यू है वो तो एज इट इज़ आ जाती है, और बेस के साथ भी आपका आएगा लॉग। अब यहाँ पे बेस क्या है, 7 है, लॉग के साथ वैल्यू क्या है, सिंपल एक्स नहीं है, पूरा क्या है, लॉग एक्स। तो पूरा एक्स की जगह बस क्या है यहाँ पर, लॉग एक्स। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल बेस के साथ लॉग आएगा, लॉग 7 हो चुका है, ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से लॉग ए, लॉग ए, लॉग के साथ जो साथ में वैल्यू होती है वो पूरी न्यूमरेटर में आ जाएगी। सो यहाँ पे क्या है, लॉग एक्स, तो यहाँ पे लॉग के साथ वो वैल्यू आ चुकी है। जैसे वहाँ पे सिंपल एक्स था तो उसके साथ क्या आया था, लॉग, ऐसे ही यहाँ पे लॉग एक्स है, उसके साथ क्या आ जाएगा, लॉग। तो इसी तरह से हमने इसको लॉग रिजल्ट जो है आपका अप्लाई हुआ है यहाँ पर, सिंपली हमने इस टर्म को किस तरह से लिख दिया है, इस तरह से, सिंपली नथिंग एल्स। तो अब आपका फंक्शन कैसा दिख रहा है, लॉग 7 एक कांस्टेंट टर्म मानी जाएगी, साथ में ऊपर क्या है, लॉग, लॉग के अंदर लॉग एक्स, ठीक है। सो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रही हूँ, तो फिर भी आप इसको इस तरह से देखो, लॉग 7 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको मैंने एकदम अलग ही लिख दिया है। अब करो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स, ये कांस्टेंट टर्म एज इट इज। डिफरेंशिएशन लॉग का क्या होता है, चाहे इसके अंदर ये वैल्यू है, लेकिन लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो भी वैल्यू होती है बेस में आ जाती है, तो वैल्यू क्या है यहाँ पे, लॉग एक्स, तो वो बेस में आ गया। तो सिंपली यहाँ पे सिंपल एक्स तो था नहीं, तो अल्टीमेटली इसके एंगल का, मतलब इस वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन होगा। सो डी बाय डी एक्स चेन रूल की हेल्प के साथ लॉग एक्स का भी होने जा रहा है। सो यहाँ पर लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x, मतलब जो वैल्यू थी उसके साथ वो बेस में आ जाएगी, ठीक है। सो डिफरेंशिएशन बिकॉज लॉग एक्स का क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है। सो ये आपके जो भी रिजल्ट्स एंड फॉर्मूलाज लगे थे वो मैंने अप्लाई कर दिए हैं, डिफरेंशिएशन आप निकाल चुके हैं। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक्स, ये सब कुछ प्रोडक्ट में ही है, बेस में, ठीक है। सो लॉग 7 लॉग एक्स, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, आपकी एनसीईआरटी बुक में भी आपको इसी तरह से दिख जाएगा। एग्जाम्पल 45, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो एग्जाम्पल 45 देख रहे हैं, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, आपको y दिया हुआ है एंड उसके अंदर वैल्यू क्या है आपकी, cos इनवर्स के अंदर एक वैल्यू है दिस। तो यहाँ पर मैं आपको NCERT एग्जाम्पल के साथ नहीं सॉल्व करके बता रही हूँ, डिफरेंट मेथड ले रही हूँ,
वहाँ पे आपने क्या किया कि जैसे कॉस इनवर्स है बाहर, तो इनवर्स को हटाने के लिए अंदर आपके पास कॉस का होना ज़रूरी है, तभी कॉस इनवर्स कॉस नलीफाई होंगे, डिडक्ट होंगे और वैल्यू जो एंगल में होगी सिंपली आपको वो मिल जाएगी। उस तरह से उन्होंने किया हुआ है एनसीईआरटी बुक में, वो भी मेथड करेक्ट है, आप वैसे भी कर सकते हो। और इसको मैं किस तरह से देख रही हूँ, यहाँ पे आप इसको इस तरह से ट्रीट कर सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स होता तो आप उसका डिफ्रेंसिएशन क्या करते, माइनस वन अपॉन रूट में वन माइनस एक्स का स्क्वायर, जो भी एंगल है उसका स्क्वायर है ना। तो लेकिन यहाँ पे बस एक ही तो डिफरेंस है, एक्स की जगह बस यहाँ पे क्या है साइन एक्स। तो सिंपल जैसे एक्स को मैं ट्रीट करती हूँ साइन एक्स को मैं वैसे ट्रीट कर लेती हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। बस एंड में क्या होगा कि यहाँ पर चेन रूल की हेल्प के साथ अगर आपने एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन करा था तो वन वैल्यू आपको मिलेगी, क्योंकि एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है वन। लेकिन अगर आप यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे सिंपल एक्स नहीं है, चेन रूल की हेल्प के साथ साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन होगा राइट, यहाँ पे जो वैल्यू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा कॉस एक्स, बस यही डिफरेंस है नथिंग एल्स। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो जैसे ही मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई किया है उसके बाद साइन एक्स की पावर में जब स्क्वायर है उसको आप क्या लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स। तो सिंपली मैंने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया है साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया, नथिंग एल्स। और साथ में आपका ये जो मैंने बताया कि इसका भी डिफ्रेंसिएशन होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, तो साथ में आपकी वैल्यू क्या चल रही है कॉस एक्स, तो इसको लिखना मत भूलना राइट। सो यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या पुट करने वाली हूँ वो मैंने आपको ऑलरेडी लिख दिया है, दैट मीन्स कॉस स्क्वायर एक्स। और ये वैल्यू कैसे आई है इस आइडेंटिटी से, ठीक है। सो यहाँ पे रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स की जगह मैं क्या लिख रही हूँ सिंपली कॉस स्क्वायर एक्स, और ऊपर क्या है कॉस एक्स। तो अब रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा राइट। सो ऊपर है माइनस कॉस एक्स, नीचे बचेगा सिंपल कॉस एक्स, तो आपके पास ये वैल्यू कैंसिल होके वैल्यू क्या आएगी माइनस वन। सो यहाँ से आपने इस तरह से भी देख लिया, इस मेथड से भी, कि जो आपका आंसर है एग्जैक्टली सेम आ रहा है लाइक योर एनसीईआरटी आंसर, ठीक है। सो एनसीईआरटी एग्जांपल वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हैं और इस तरह से भी आप कर सकते हैं, बोथ वेज आर करेक्ट। नाउ लेट्स सी सेकंड पार्ट। सो ये बहुत ही ईजी है, क्यों ईजी है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है और वन प्लस कॉस एक्स है। तो सिंपली पहले इसको आप किस फॉर्म में लेकर आना चाहते हो, क्यों, क्योंकि टैन इनवर्स है बाहर, अंदर भी आपको क्या चाहिए टैन की फॉर्म में, ताकि टैन इनवर्स से वैल्यू कैंसिल होके आपके पास सिंपल एंगल की वैल्यू आपके पास आए राइट। क्योंकि टैन इनवर्स टैन और अंदर कोई भी वैल्यू होगी, टैन इनवर्स इंटू टैन ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल आउट हो जाता है राइट। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है आपके पास सिंपली होके वो आ जाती है राइट। सो यहाँ पर मुझे अंदर क्या चाहिए टैन, ताकि मेरा टैन इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। सो इसको मैं टैन की फॉर्म में बनाने की कोशिश करूँगी, और जो कि बहुत ही सिंपल है। सो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है साइन टू ए का, जिसको आप लिखते हो टू साइन ए कॉस ए। लेकिन जैसे कि यहाँ पे साइन ट्वाइस ए नहीं है, मतलब सिंपल साइन ए है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो इसी आइडेंटिटी के साथ, टू साइन ए बाय टू कॉस ए बाय टू। अब यहाँ पर बिल्कुल जैसे ट्वाइस ऑफ एंगल था तो अंदर एंगल की वैल्यू हाफ आई, अगर ट्वाइस ऑफ ए था उसका आधा करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी ए, तो उधर एंगल की वैल्यू क्या आई है ए, अगर आपका एंगल ट्वाइस ऑफ ए है। लेकिन आपका अगर एंगल ऑलरेडी ए है तो उसका आधा क्या होगा ए बाय टू, तो जब आपके एंगल की वैल्यू ए होगी तो अंदर एंगल में वैल्यू क्या आएगी उसकी आधी, तो इतना आपको ध्यान रखना है। सो साइन एक्स की जगह इसलिए मैं क्या लिख सकती हूँ टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू। सो ऊपर के लिए आपको वैल्यू मिल चुकी है, ये आपको पुट करनी है। इसी तरह से ध्यान से देखो, कॉस ट्वाइस ऑफ ए का आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन, ठीक है, कॉस वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल। सो इतना देख लो कि वहाँ पर आपके पास कॉस एक्स आएगा, यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू इधर शिफ्ट करते भी हो, दैट मीन्स कॉस ट्वाइस ऑफ ए प्लस वन इक्वल्स टू टू कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। तो यही वन प्लस कॉस एक्स है, लेकिन एंगल देख रहे हो सिंपल एक्स है, ट्वाइस ऑफ एक्स नहीं है,
तो अगर ट्वाइस ऑफ ए होता है, अगर डबल होता है एंगल, तो वहाँ पे वैल्यू क्या आती है, उसकी आधी। दैट मीन्स ट्वाइस ऑफ ए का हाफ क्या होगा, ओनली ए। एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो यही अगर यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाती है आपकी ए, तो अंदर एंगल और भी आधा आएगा, दैट इज टू कॉस स्क्वेयर ए बाय टू। तो अब आपको वैल्यू मिल चुकी है अपनी कॉस एक्स प्लस वन की, दैट इज टू कॉस स्क्वेयर एक्स बाय टू। तो ये अप्लाई होगी नीचे वैल्यू। सो यहाँ पे हम पहले इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, उसके बाद ही डिफ्रेंशिएट करेंगे। टू से टू कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल। ये वैल्यू को साइन अपॉन कॉस को आप किस तरह से लिख सकते हो, टैन की फॉर्म में। सो साइन अपॉन कॉस को आप लिख सकते हो टैन की फॉर्म में, और एंगल आपका है वो एज इट इज आ जाएगा। अब बाहर है आपके पास टैन इनवर्स, अंदर है आपके पास टैन, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली जब प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो कैंसिल हो जाएगी। सो यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी आपके पास, जो सिंपल एंगल में बचेगी। एंगल में वैल्यू क्या है, ये एक्स बाय टू। सो वाई की वैल्यू आपकी क्या है, सिंप्लीफाई होकर सिर्फ आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या बनी है, ये। इसको सिंपली आप डिफ्रेंशिएट करो, यू विल गेट योर फाइनल आंसर। क्योंकि इसी को डिफ्रेंशिएट करने के बाद आपको डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिलेगी। सो वन बाय टू कॉन्स्टेंट है, एक्स को डिफ्रेंशिएट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, वन। सो वन बाय टू इज द फाइनल आंसर। सो नाउ लेट सी थर्ड पार्ट। आपके पास वाई की वैल्यू इस तरह से है, अगेन यहाँ पे बाहर क्या है, साइन इनवर्स। तो मैं अंदर क्या बनाने की कोशिश करूँगी जिससे साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए, ऑब्वियसली अंदर मुझे साइन की फॉर्म में बनाना है, राइट। सो लेट्स मेक दिस इन द फॉर्म ऑफ साइन। और वो कैसे, सिर्फ अभी मैं किसको सॉल्व कर रही हूँ, 2x प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 4 टू द पावर x। अलग से इसको सॉल्व कर रही हूँ, उसके बाद इसमें मर्ज भी कर दूंगी, या फिर अगर आप चाहते हो कि मैं इसी में सॉल्व करूँ तो इसमें भी सॉल्व कर दूंगी। लेकिन अगर बेस्ट वे है कि अगर आप अलग अलग से देखें इसको प्रॉपरली विजुलाइज होके कि ये एंगल में जो वैल्यूज़ को मैं सॉल्व करूँगी, सिंप्लीफाई करूँगी, तो वो कैसे होंगी। सो सिंपली अगर मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ और साइन की फॉर्म में लेकर आना चाहती हूँ, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, यहाँ पे मैं इसको स्प्लिट करके लिख रही हूँ ऊपर की जो वैल्यू है। पावर्स ऐड कब होती है, जब आपका बेस सेम हो जाता है। तो इस चीज़ को आप इस तरह से लिख सकते हो और इसी चीज़ को आप इस तरह से देख सकते हो, राइट। तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख दिया है। ऐसे ही नीचे जो 4 टू द पावर एक्स है, इतना आपको पता है 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, ठीक है। तो अल्टीमेटली 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 का स्क्वायर, तो जो कि मैंने लिख दिया है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप देखो, ये जो पावर में है 2, ये भी पावर में है 2, तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो x यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ और 2 को मैं उठा के यहाँ पर भी मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई में है, चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, अल्टीमेटली वो मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, राइट। सो इसको एज इट इज रहने दो ऊपर। और नीचे जो है, क्या चेंज किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अल्टीमेटली x को मैं अंदर ले आई हूँ और 2 को मैं बाहर ले आई हूँ, अभी भी क्या है, ये मल्टीप्लाई में ही है। मैंने यहाँ पर 2x को क्यों बनाने की कोशिश की है, इस तरह से नीचे भी उसका चाहे स्क्वायर हो रहा है, लेकिन ऊपर भी 2x है, नीचे भी 2x है। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे लेट करूँगी 2x को, मैं पुट करूँगी वैल्यू क्या, यहाँ पे मैं पुट करूँगी 2x की पावर को tan थीटा। क्योंकि 2x की जगह tan थीटा डालने पर आपके पास क्या वैल्यू आएगी, जहाँ पे 2x है वहाँ tan थीटा डाल दो, 2 साथ में एज इट इज चल रहा है, tan थीटा आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे ही 2x की जगह tan थीटा आ गया और ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो अल्टीमेटली 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आपने आइडेंटिटी पढ़ी है, क्या लिख सकते हो, साइन ट्वाइस ऑफ थीटा। तो आपने इसको सॉल्व करके क्या देखा कि आपकी वैल्यू क्या आ गई है, साइन की फॉर्म में, जो कि आप इसकी जगह चाहते थे। तो मैंने कैसे इसको चेंज किया वो आपने देख लिया है, राइट। सो सिंपली यही स्टेप्स मैं यहाँ पे फॉलो कर रही हूँ, आपको इसी तरह से अपने जो एग्ज़ाम में है इसी के अंदर सॉल्व करके स्टेप्स को दिखाना है, राइट। यहाँ पे बस मैंने आपको विजुलाइज करके दिखा दिया है, जूम करके दिखा दिया कि इस पोर्शन को साइन टू थीटा कैसे लिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं फटाफट से आपको स्टेप्स लिख देती हूँ। सो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो यहाँ तक आप पहुँच चुके हैं और आपकी वैल्यू आ चुकी है इन द फॉर्म ऑफ साइन, जो कि आप चाहते थे। सो सिंपली साइन इनवर्स बाहर है और अंदर भी साइन है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कैंसिल। आपके पास क्या वैल्यू बचेगी, ओनली ट्वाइस ऑफ
थीटा। सो अब यहाँ पे अभी तक हमने इसको डिफ्रेंशिएट क्यों नहीं किया, क्योंकि हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ रहे थे। अभी वापस से जो हमने पुट किया था 2 to the power x = tan theta, अब यहाँ पे मुझे थीटा की वैल्यू वापस से चाहिए ताकि मैं इसको बाद में डिफ्रेंशिएट कर सकूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्योंकि आपको फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन ये वैल्यू है थीटा में, तो थीटा की वैल्यू वापस से मुझे x में चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी? जब आपने पुट किया था इस वैल्यू को इस तरह से, तो वहीं से आपको वैल्यू क्या मिल जाएगी अपनी थीटा की। सो यहाँ पे ये वैल्यू टैन में है इस तरह से, जैसे ही ये लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होगी तो आपको वैल्यू कैसे दिखेगी, टैन इन्वर्स की फॉर्म में, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी इस तरह से एंगल में, और ये आपके पास यहाँ पर रह जाएगा राइट हैंड साइड में ओनली थीटा। सो यहाँ पे जो 2 to the power x है वो किस में है, टैन इन्वर्स के एंगल में है। तो आपको अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट ध्यान से करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगी तो आपको इतना चीज़ देखना ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैन इन्वर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल टैन इन्वर्स x होता है एंगल में, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है आपके पास 1/1 + x² ये होता है डिफरेंशिएशन फॉर्मूला फॉर टैन इन्वर्स। सो जैसे कि यहाँ पर उसके एंगल में 2 to the power x है, ठीक है, तो आपको उसका भी बाद में डिफरेंशिएशन करना होगा, क्योंकि सिंपल x होता तो आप यहीं तक रुक जाते हैं, आपका चेन रूल से अगर डिफरेंशिएट भी करते हैं आपको 1 वैल्यू मिलती, लेकिन यहाँ पे सिंपल x नहीं है, यहाँ पे ट्वाइस ऑफ द x है, मतलब 2 to the power में x है, तो आप इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो डिफरेंशिएशन आपको इसका भी आना चाहिए, जो कि आपको ऑलरेडी आता है, वो कैसे, अगर आपने a to the power x का डिफरेंशिएशन देखा होगा अपने सॉल्वड एग्जाम्पल्स में, या फिर मैंने आपको फॉर्मूलाज में भी बताया। सो डिफरेंशिएशन आपको a to the power x का करना होता है, तो आपके पास वैल्यू क्या आती है, a to the power x एज इट इज, साथ में लॉग में क्या वैल्यू आती है, a, जो कि यहाँ पर होती है। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरह से ट्रीट करो जैसे ये a to the power x है, इसी तरह से ट्रीट करो, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसा आएगा, 2 to the power x एज इट इज, साथ में log 2। सो ये होगा डिफरेंशिएशन इसका। सो यहाँ पर जैसे ही मैं वैल्यू लिखती हूँ dy/dx, 2 आपका कांस्टेंट है, एज इट इज रहने दो। टैन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 + angle² तो मतलब यहाँ पर 2 to the power x है, तो उसका क्या हो रहा है, स्क्वेयर। सो यहाँ पर 2 to the power x का भी डिफरेंशिएशन करना है विद द हेल्प ऑफ चेन रूल, जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो इसका डिफरेंशिएशन होता है लाइक दिस, आप साथ में ये बता सकते हो बिकॉज दिस, ठीक है। सो फाइनल आंसर आपका, ध्यान से देखो, ये एक 2 आपको दिख रहा है और एक ये क्या है, ये भी 2 to the power x है, ये सब कुछ प्रोडक्ट में चल रहा है 2 to the power x, और साथ में log 2 भी क्या है आपका, प्रोडक्ट में। ऐसे ही नीचे देखो 2 to the power x, क्योंकि यहाँ पर आप x को बाहर भी लिख सकते हो और 2 को अंदर लिख सकते हो, जैसे कि अभी मैंने पावर्स में आपको बताया, तो 2 का 2 इस तरह से आप लिख सकते हो, और इसको क्या लिखोगे बाद में 4, और यहाँ पे क्या है पावर में 1, सो अल्टीमेटली बेस सेम है, पावर्स ऐड कर दो, 2 to the power x + 1, साथ में log 2, और नीचे 1 + 4 to the power x। सो कैसे हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ आ गया हो, राइट। सो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिंपल अगर आप स्टेप्स ध्यान से करेंगे तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपके लिए, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं इसी सॉल्व एग्जांपल्स के साथ। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।